हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, जब हम बात करने वाले हैं दो पीएसयू शेयर के बारे में, जिसमें मुझे लगता है अगले मंथ मतलब कि जून में हमें बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पे दो खबरें भी है, उसके बारे में तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पे जो खबर निकल करके आ रही है, इसके चलते इन दोनों शेयर में आगे जा करके जून मंथ में खास करके मुझे लगता है तेजी है। तो शॉर्ट टर्म में या तो फिर लॉन्ग टर्म में, दोनों में यहाँ पे पोजिशन बनाने का बढ़िया मौका है। तो मैं जो दो शेयरों के बारे में बात कर रहा हूं, वो दोनों शेयर का नाम आपके सामने वन बाय वन डिस्कशन करना चाहूंगा। सबसे पहला जो शेयर है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, वो है ओएनजीसी, मतलब कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसकी क्लोजिंग आज 111.85 रुपये के आसपास हुई है, 1.5 रुपये डाउन था। हालांकि 1.32% की गिरावट थी, परंतु गिरावट में ही माल दबोचने का बढ़िया मौका होता है, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो शेयर मैं बात कर रहा था वो गेल लिमिटेड है, उसमें आज बढ़िया तेजी भी देखने को मिली। यहाँ पे देख सकते हो 1.55 रुपये ऊपर था, 1% की तेजी, और यहाँ पे डे हाई के आसपास ही जा करके वो बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट निकल करके आ रही है ब्लूमबर्ग प्रिंट की तरफ से, उसको मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहूंगा। उसके अलावा दो खबरें हैं जो ब्रोकर ने टारगेट दिए हैं, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे बताया जा रहा है एनालिस्ट से, ऑयल इंडिया ओएनजीसी गेल ऑन ट्रैक टू रीच गेन हियर इज बाय। मतलब कि यहाँ पे ऑयल इंडिया ओएनजीसी और गेल, हम यहाँ पे ओनली बात करने वाले हैं ओएनजीसी और गेल, हालांकि ऑयल इंडिया के रिलेटेड भी यहाँ पे न्यूज है, उसमें यहाँ पे तेजी निकल करके आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे हेडलाइन में लिखा है। क्योंकि यहाँ पे उनका जो बिजनेस है, जो उसकी डिमांड है उसकी प्रोडक्ट की, वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में कोविड-19 की सिचुएशन फिर से संभलती हुई दिखाई दे रही है, और जून मंथ से लगभग लगभग आप मान करके चलिए सभी राज्यों में लॉकडाउन का जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते यहाँ पे इंटरनेशनल गैस शेयर प्राइसों में और ऑयल प्राइसों में रिबाउंड आने की पूरी पूरी संभावनाएं बताई जा रही है। जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो रहने वाला है ओएनजीसी और गेल ही रहने वाला है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जापान और कोरिया के मार्केट में ऑलरेडी ऑयल और गैस की प्राइसों में 45% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो कि अभी भारत में जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा यहाँ पे भी बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अब देखो कि जापान और कोरिया के मार्केट में जो ऑयल की प्राइस है वो यहाँ पे कैसे रिकवरी कर रही है। मैं आगे और भी कुछ डाटा आपको दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ पे डाटा दिखाने के लिए मैं आपको थोड़ा से नीचे लेकर के आया हूँ। यहाँ पे देखिए ऑयल ऑन बॉयल मतलब कि ब्रेंट क्रूज की जो प्राइस है वो यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है, इसी के चलते यहाँ पे गैस का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और उसकी प्राइस भी बढ़ रही है। यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज का गेल के ऊपर बाहर निकल करके आ रहा है कि गेल का FY22 की बात करें तो जो इसमें अर्निंग एस्टिमेट है वो 22 से 32% बढ़ सकता है, ऐसा यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से बताया जा रहा है। तो एमकी ग्लोबल का यहाँ पे ONGC के ऊपर बयान निकल गया है कि यहाँ पे जो ऑयल की डिमांड बढ़ेगी तो उसके अंदर यहाँ पे 3.6 डॉलर पर बैलर से 6.7 डॉलर पर बैलर यहाँ पे उसमें हाइक हो सकते हैं, FY22 की बात कर रहे हैं वो। यहाँ पे इंडिया में बात करें तो गैस की प्राइसों में धीरे धीरे रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइसों में धीरे धीरे सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका असर हमें यहाँ पे ONGC और गेल दोनों में पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। मुझे लगता है सभी तरह से यहाँ पे जो सिचुएशन है वो यहाँ पे ONGC और गेल और ऑयल इंडिया तीनों के लिए बहुत बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही है। तो जून मंथ में आपको यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड करके प्रॉफिट कमाने का अच्छा मौका है। यहाँ पे देखिए एनालिस्ट की तरफ से टारगेट प्राइस भी रिवाइज किया जा रहा है, यहाँ पे एडलवाइज की तरफ से यहाँ पे जो टारगेट दिया जा रहा है 121 रुपये का, जबकि गेल के ऊपर भी एक टारगेट प्राइस निकल करके आ रहा है, वो टारगेट प्राइस मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे दिया है गेल को, वो टारगेट प्राइस 205। तो गेल में और ज्यादा अच्छी तेजी आने की संभावना है, ऐसा यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है, परंतु हमें क्या लगता है चार्ट क्या बोल रहा है वो दोनों के ऊपर बात करेंगे। तो बात स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ONGC के साथ। तो ONGC का चार्ट मैंने जीरोधा के प्लेटफॉर्म में खोल करके रखा है। यहाँ पे देखिए कि एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन मोड चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है 110 से 109 के बीच का जो रेंज है वहाँ पे बढ़िया सा बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको 109 के SL के साथ करंट मार्केट प्राइस में बिल्कुल पोजीशन बनानी चाहिए। आपके लिए जो पहला टारगेट 117.50 रुपये का रहेगा, जो कि एक हर्डल है, और उसके ऊपर 125 रुपये तक के टारगेट मुझे लगता है जून मंथ में आते हुए
ONGC में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात करना चाहूंगा गेल के बारे में, तो गेल का भी चार्ट मैंने आपके सामने ओपन करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बेस बन चुका है 145 रुपए से लेके 147 रुपए के आसपास का, और वहां से बढ़िया बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। 162 से लेके 165 के बीच जो यहाँ पे एक रेंज है वो एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे उभर करके आ रही है। वंस ये रेजिस्टेंस तोड़ देगा तो आपको सीधा 185 के लेवल यहाँ पे गेल इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी बढ़िया मौका है, मुझे लगता है जून एंड तक आपको ये लेवल बिल्कुल दिखाई देने चाहिए। 145 के नीचे थोड़ा सा एसएल लेकर के आप करंट मार्केट प्राइस में पोजीशन बनाई है। 165 और 80 आपके लिए टारगेट जून मंथ के लिए रहने चाहिए। आरएसए का लेवल यहाँ पे 58 का है, तो यहाँ पे आरएसए का लेवल भी स्ट्रॉन्ग इनफ मजबूत दिखाई दे रहा है। जाते जाते दोनों की कारोबार की सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ONGC का कारोबार मैंने NSE की वेबसाइट पे खोल के रखा है। 111.85 रुपये पे क्लोजिंग, जैसे मैंने बताया 113.65 रुपये का हाई, 111.30 रुपये का लो। क्वांटिटी की बात करें 2,28,21,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 1,24,80,000 शेयर की डिलीवरी और कारोबार दबा करके उठाया जा रहा माल 54.69, लगभग 55% की धाकड़ डिलीवरी यहाँ पे उठती हुई दिखाई दे रही है। अभी बात करेंगे गेल के बारे में, तो गेल का भी यहाँ पे मैंने कारोबार की डिटेल NSE की वेबसाइट पे खोल के रखे है। गेल इंडिया लिमिटेड 153.65 रुपये पे क्लोजिंग, 1% की तेजी, हाई 155 रुपये का, लो 150 रुपये का। यहाँ पे बात करें 1,50,14,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 53,12,000 शेयर की डिलीवरी, और इसमें भी डिलीवरी परसेंटेज बहुत बढ़िया है 35.38। दोनों में धमाकेदार कारोबार की सिचुएशन है, माल धमाकेदार उठाया जा रहा है, और जैसे मैंने बताया कि जून मंथ में इन दोनों शेयर के लिए बढ़िया पोजिशन बनाने का मौका है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी लॉकडाउन ईजी होगा इसके चलते इन दोनों की जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बिल्कुल होने वाली है। तो मैं चाहूंगा इन दोनों शेयर को आप स्टडी करिए और उसके बाद ही कोई पोजिशन बनाने की कोशिश कीजिए। मैं जैसे पहले भी बताता हूं कि जिस किसी ने ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर उसमें अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, उसको मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है ज़ीरोधा की, वहां से जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।